गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस अगेन। लास्ट वीक वी हैव कंप्लीटेड अवर थर्ड लेसन ऑफ सिविक्स, दैट वाज व्हाट इज ए गवर्नमेंट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर थर्ड लेसन ऑफ जियोग्राफी, दैट इज मोशंस ऑफ द अर्थ। टू मेक इट इजी, मोशंस मीन्स मूवमेंट्स। अर्थ के मूवमेंट्स किस प्रकार के, किस प्रकार अर्थ मूव करती है, उसके बारे में। मोशंस ऑफ द अर्थ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस और मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के दो प्रकार के मूवमेंट्स हैं, दीज आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। ये है रोटेशन और रिवोल्यूशन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, रोटेशन और रिवोल्यूशन में? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन? So let's continue. What is rotation? The movement of the sun around its axis. अपनी axis के ऊपर पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है, rotation. और the movement of the earth around the sun. अपनी दूरी पर घूमना, अपने axis पर घूमना rotation है। और सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, our earth rotates around the sun, वो है revolution. अब रोटेशन किसमें हेल्पफुल है, इन द डे एंड नाइट, कि हमारे पास किस प्रकार दिन और रात बनते हैं। और रिवोल्यूशन किसके लिए, फॉर सीजंस, कि हमारे यहां जो सीजन का अंतर आता है किस प्रकार आता है। अब रोटेशन और रिवोल्यूशन में किस प्रकार, अब एग्जांपल के तौर पर रोटेशन क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी है, हालांकि ऐसी कोई लाइन है नहीं उसमें, ये हम इसको इमेजिनरी लाइन मानते, इसको मानते एक्सिस, ये तो बीच में इसको एक्सिस, और ये जो उसके एक्सिस के ऊपर इस प्रकार पृथ्वी का घूमना है क्या है, ये है रोटेशन। और अगर इसको हम सन माने, अगर ये सन माने और इसके चारों तरफ अगर इस प्रकार घूमती है हमारी पृथ्वी, तो क्या है, रिवोल्यूशन। यानी सूर्य के चारों तरफ घूमना तो है रिवोल्यूशन, और अगर केवल अपनी एक्सिस पर इस प्रकार घूमती है पृथ्वी, क्या है, रोटेशन। अब रोटेशन पहले ही बताया किसके लिए सहायक, हमारे यहां डे और नाइट में। अब उसके साथ साथ ये एक्सिस जैसे दिखाया गया, ऐसा हमारा एक्चुअल में कोई नहीं, है इमेजरी लाइन, केवल हमने काल्पनिक देखा है, जिसके द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है। अब हमारी पृथ्वी के जो घूमने का, सूर्य के चारों तरफ घूमने का जो रास्ता, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट्स हैं और रिवॉल्व अराउंड द सन, सारे पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर, जितने भी ग्रह हैं हमारे, वी हैव ऑलरेडी गोन थ्रू दैट पार्टिकुलर लेसन। द वेरी फर्स्ट लेसन वॉज देयर, जो हमारा पहला लेसन था, उसमें सारे जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन, सारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ऐसी हमारी पृथ्वी भी करती है। और जिस रास्ते पर परिक्रमा करते हैं, जो फिक्स रास्ता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। और उस ऑर्बिटल प्लेन और एक्सिस, जो पृथ्वी का एक्सिस है, उसमें जो एंगल बनता है कितने का, 66.5 डिग्री, वो एंगल बनता है 66.5 डिग्री। और जिस उस एंगल के साथ साथ ऑर्बिटल हमारे पास जो ऑर्बिट है, जिसके ऊपर एक्सिस का जो हमारा एंगल बनता है, ऑर्बिटल प्लेन, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन जिसके ऊपर वो मूव कर रहा है सूरज। अब हमारे पास, अब अगर हम डे और नाइट को देखें कि डे और नाइट कैसे बनेंगे, तो किस पर डिपेंड करेगा कि सूर्य की रोशनी किस जगह पर किस प्रकार आ रही है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व इट एट होम, आप अपने घर पर ही ऑब्जर्व करना चाहें, तो टेक ए कैंडल, एक मोमबत्ती लें, जलाएं उसको, और दूसरा उस कैंडल के सामने ही, जैसे हमारी ये अर्थ हो, इसको सामने ले लें। अगर आप कैंडल यहां जलाएंगे तो उसकी रोशनी, अगर पृथ्वी तो इसकी रोशनी साइड तो पड़ेगी, लेकिन इस साइड इसकी रोशनी, अगर इसके नजदीक आप ऐसे रखेंगे तो यहां तो ज्यादा होगा, लेकिन इस साइड नहीं होगा। इसका मतलब आधा हिस्सा पृथ्वी का जो उस रोशनी की तरफ है, यानी दूसरी तरफ, वहां तो क्या हो जाएगा, रोशनी है तो दिन, और जो दूसरा हिस्सा रहेगा इसके ऊपर रोशनी नहीं पहुंचे, अंधेरा, वो क्या है, रात। तो ये हमारे यहां डे और नाइट का प्रोसीजर है। अगर रोटेशन के टाइम पर हमारा जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य की तरफ होगा वहां तो डे, और जो विच वाज अगेंस्ट दैट सन और उसके दूसरी तरफ है अपोजिट साइड, दैट इज नाइट, तो हमारी वो नाइट हो जाएगी। अब उसके बाद एक इसमें वर्ड देखा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, अब हमारे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की बात करें, तो जो हमारे यहां जो रोशनी
रोशनी आई सन की, और उस रोशनी कहां तक आई उसके हमारी पृथ्वी के ऊपर, और उसके दूसरी साइड जो हिस्सा डार्कनेस का है, तो जहां बीच में एक सर्कल बनेगा, यानी दोनों को जो डिवाइड करेगा डार्कनेस को और लाइटेड पार्ट को, यानी रोशनी को और अंधेरे को जो बीच में डिवाइड करेगा एक सर्कल बनेगा, बीच में एक लाइन बनेगी, वो क्या कहलाएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो डे और नाइट का अंतर हमारी पृथ्वी पर, यानी हमारी पृथ्वी के बीच में जो लाइन बनेगी कि साइड दिन है साइड रात, और बीच में जो लाइन होगी तो दोनों को सेपरेट करके होगी कि कितना हिस्सा लाइट का है कितना डार्कनेस का है, तो वो क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये तो हमारे यहां जो रोटेशन का हिस्सा पढ़ रहे थे हम, रोटेशन किसमें सहायक है, डे और नाइट में। रोटेशन है क्या, पृथ्वी का अपने एक्सिस के ऊपर घूमना, उससे हमारे डे और नाइट बनते हैं, और नाइट द पार्ट विच इज नॉट फेसिंग द सन एंड द पार्ट विच इज फेसिंग द सन इज डे। डे कौन सा हिस्सा होगा जिस दो सूर्य का इस तरफ फेस करेगा, जो हिस्सा पृथ्वी का सूर्य की तरफ होगा डे, और जो उसके विपरीत होगा वो नाइट। अब उसके बाद सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अगर हमने पढ़ा, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, जहां डे और नाइट बनते हैं, हम अगर कैंडल के सामने उसको रखेंगे हमारी बॉल को, सन मानते हुए कैंडल को, उसके बाद बॉल को अर्थ मानते हुए, तो जहां हमारे यहां लाइट और डार्कनेस का बीच का हिस्सा बनेगा वो क्या हो जाएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब अगर मान लो हमारी अर्थ है वो रोटेट करना छोड़ दे, रोटेशन नहीं हो, तो क्या होगा, जो हिस्सा ऑलरेडी सन की तरफ है वहां हीट रहेगी, रोशनी रहेगी, यानी वहां हमेशा दिन ही रहेगा, रात नहीं होगी। अब उसका नुकसान क्या होगा, कंटिन्यूस अगर दिन रहेगा सूर्य की रोशनी रहेगी तो गर्मी बढ़ जाएगी, और अगर लगातार गर्मी बढ़ जाएगी तो जो हमारे पास जितनी भी आइस शीट्स हैं ग्लेशियर्स में जो है हमारे पोलर रीजन में है, वो हिस्सा जो साइड रहेगा सारी मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद अल्टीमेटली वी आर ड्रोन अप, सारे हो सकता है डूब जाए, और लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा हीट एक्सट्रीम टेम्परेचर रहेगा तो वहां लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और दूसरा हिस्सा जिस साइड की हमारे पास डार्कनेस रहेगी हमेशा रात, यानी पर चुका है हिस्सा ऐसा रहेगा जिसमें हमेशा रात रहेगी, और धीरे धीरे वहां टेम्परेचर बहुत कम होगा, और हो सकता है वहां सब कुछ जम जाए, बर्फ जम जाए, वहां भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अगर हमारी अर्थ रोटेट करना या हमारे एक्सिस पर घूमना छोड़ते तो हमारे दिन रात बनने बंद, जो हिस्सा सूर्य की तरफ रहेगा हमेशा दिन, और दूसरा हिस्सा नाइट का ही रहेगा। अब हमारा दूसरा पार्ट था रिवोल्यूशन, जो हमारी अर्थ किसका, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में, वो क्या है, रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन के इफेक्ट पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, केवल एक बार रोटेशन को गो थ्रू दिस पॉइंट टॉपिक, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। इस रोटेशन में अगर किसी कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप वापिस मेरे से पूछ सकते हैं, रिवोल्यूशन के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।